अतुल सिंह है और मैं सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, हमारी फिल्म का शुभ मुहूर्त है और सारे लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मीडिया बंधुआ हैं सभी को मेरा प्रणाम। और अपनी फिल्म के बारे में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारी फिल्म जिसका नाम है बनारसी छोरा, तो एक ऐसा करेक्टर है जो बनारस से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी हमारी जो पूरी कहानी है वो बनारस से ही है। कुछ अपने किरदार के बारे में अगर बताना चाहें तो? जैसा कि नाम है बनारसी छोरा, तो मेरा किरदार जो फिल्म है वो कुछ छोरे टाइप है, लाइक लफंगा टाइप, और कॉलेज से रिलेटेड पूरी जो है कॉलेज से रिलेटेड मेरा करेक्टर है। इसमें नहीं, इससे पहले मेरी एक फिल्म है जिसका नाम है सिंदूर की सौगंध और ये मेरी सोलो फिल्म है जिसका नाम है बनारसी छोरा, ये मेरी दूसरी फिल्म है। स्टार कास्ट में आपको जो बैनर पे दिख रहे हैं वो सारे लोग हैं और अभी इसकी कास्टिंग बाकी है। जी जी, इसका लोकेशन जो है वो बनारस ही है और बाकी अभी शूट का डेट कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे ही आएगा आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले तो जितने भी चैनल को देखने वाले दर्शक हैं सबको प्रणाम करूँगा। और नया हीरो हैं ये सही है, लेकिन इनका हीरो बनने की चाह आज करीब 6 साल पहले मुझे मिले थे, 5 साल पहले या तो उसी समय बोले थे भैया मुझे हीरो बनना है, जो आज ये हीरो बन गए। और बड़ा अच्छा करेक्टर मेरा भी है इनके साथ, केमिस्ट्री हम लोगों की दिखेगी। मारधाड़ तो नो डाउट विलन हूँ तो होगा इनके साथ, और अब मारधाड़ का डिजाइन करेंगे हमारे डायरेक्टर साहब मनोज जी जो इस फिल्म के कैमरामैन भी हैं। और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि कैमरामैन डायरेक्टर है और अतुल बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने इनका कुछ काम देखा है छोटा मोटा, लेकिन ये तैयारी करके हीरो बन रहे हैं तो मज़ा आएगा सबके और एक अच्छा सिनेमा हम लोग बनाएंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नए हीरो के साथ मैं ही काम किया हूँ, एज ए विलन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नए हीरो के साथ मैंने ही काम किया है, तो डर तो लगा रहता है क्योंकि हीरो नया होता है तो थोड़ा कंट्रोल कम होता है और कई बार हम लोग गुस्सा खा जाते हैं हीरो से, तो और नए लोगों से डर लगता है, लेकिन क्या करें काम है, करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अतुल ऐसा नौबत नहीं आने देंगे। स्क्रिप्टिंग की तैयारी चल रही है, स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुआ है पूरा, जैसे पूरा फाइनल हो जाएगा तो पता चल पाएगा। बाकी फिल्म का जो बेस है बनारस से रिलेटेड है और अतुल जी हमारे हीरो हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अतुल जी नए नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं एक फिल्म किया था सिंदूर की सौगंध, एज ए डीओपी किया था, उस फिल्म में अतुल जी मेरे साथ थे और मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं कि नए मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं। नहीं, ये सही कह रहा है आने वाली है कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उसी समय ये काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस उस समय जब मैं देखा था तभी लगा था नहीं ये जिस दिन भी आएंगे बड़ा धमाल मचाएंगे और एक नया एक्शन हीरो के रूप में जो है एंट्री मार रहे हैं इस फिल्म में, तो एक्शन हीरो की ये जो है लिस्ट में शामिल होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री और हम जैसे एक्टरों के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि एक और हीरो आया तो हम लोग के लिए और रोजी रोटी जो है आगे बढ़ेगी, हम लोग क्योंकि हीरो है तो हम लोग हैं। हाँ, शूटिंग के पहले हमारी सारी तैयारी चले, जैसे फाइट पे, डांस पे और स्क्रिप्टिंग को लेके सारी चीज़ें, अब हमारी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। पहली बात तो मैं बीच में काटूंगा आपको, भैया बोले अभी बालेश्वर भैया कि कैमरामैन भी मैं हूँ, हमारे कैमरामैन कोई और है और मैं डायरेक्टर हूँ, बट
कैमरामैन के साथ में मैं भी टीम में शामिल हूँ, डीओपी के टीम में। एक्चुअली मनोज जी, मैंने इसके लिए बोला क्योंकि आपके साथ मैं एज ए एक्टर, आप दोस्त हो मेरे साथ, कैमरामैन थे जी, मैं उसमें एक्टर था जी, तो वो पहचान सामने आती है, तो मुझे लगा नहीं आप आपके नज़र में मैं डीओपी था। और डीओपी से कोई भी एक्टर यही बोले कि अगर डीओपी डायरेक्टर बन रहा है तो डायरेक्टर विद डीओपी काम करेगा, बट हमारे डीओपी कोई और है, मैं उनके टीम में हूँ। इतना उम्मीद है मनोज जी कि आप कैमरामैन से और जो डायरेक्टर बन रहे हैं तो एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे और हम लोगों को मजा जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्योंकि कम से कम 50 डायरेक्टर का जो दिमाग होता है वो दिमाग एक डीओपी के पास होता है, क्योंकि 50 डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ तो सारे मिल के जो बनता है वो बनेगा ये फिल्म। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो सारे मेरे फेवरेट है, मैं सबको बहुत लाइक करता हूं और सबकी फिल्में, मैं मोस्टली सबकी फिल्में देखता हूं और मुझे सारे कलाकार बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी दोनों हीरोइनें यही हैं, एक पांडे प्रिया और सारू सिंह। सबसे पहले पांडे प्रिया का नमस्ते एंड आप सभी को भी नमस्ते, आप लोग इतना अमूल्य टाइम निकाल के हमारे लिए आए, थैंक यू सो मच। एंड इस फिल्म के बारे में बोला जाए तो आप लोग जानते ही देख ही रहे हैं, बनारसी छोरा, तो बनारसी छोरे कैसे होते हैं ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, बहुत दबंग टाइप के होते हैं। तो एक्चुअली इस मूवी के बारे में बोला जाए तो मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत बबली टाइप का है, कॉलेज गर्ल में बबली बबली टाइप की हूँ और आई होप ये फिल्म कुछ डिफरेंट रहेगी भोजपुरी में, तो आगे आप लोग देखिए और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कुछ कहने से पहले सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को शालू सिंह का प्रणाम एंड मैं इस फिल्म में एज अ लीडिंग एक्ट्रेस परफॉर्म करने वाली हूँ एंड मेरा इसमें कैरेक्टर रहेगा एक मोमेडियन का, एक मोमेडियन गर्ल एंड लाइक अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ गर्ल का कैरेक्टर रहेगा एंड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कम शब्दों में कि ये फिल्म बाकी सारी स्टोरी से समथिंग यूनिक है, आई मीन काफ़ी स्पेशल है एंड मैं डैमली श्योर होकर कह सकती हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए आई मीन थिएटर्स में इसे देखने के लिए, बिकॉज ये कुछ अलग है, सबसे अलग है एंड पब्लिक काफ़ी इन्जॉय करेगी ये स्टोरी देख के एंड सो बस दैट्स इट एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये रोल परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी आई मीन मैं एक हिंदू गर्ल हूँ एंड मैंने कभी मोमेडियन कैरेक्टर्स नहीं परफॉर्म किए, बट मुझे मोमेडियन लोग काफ़ी पसंद है, आई मीन उनके रूल्स रेगुलेशन थोड़ी बहुत पसंद है, भले मैं हिंदू बट आई मीन सभी के आई मीन धर्म अच्छे होते हैं, बट थोड़े अलग कुछ परफॉर्म करने मिलेगा, कुछ उनके बारे में जानने मिलेगा, सो दैट्स इट, आई एम हैप्पी। नहीं बेसिकली हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, पहले से जान पहचान है। दिखने में दबंग लग रहे हैं, यहाँ पे डिसेंट बैठे हैं, ऑलमोस्ट ये दबंग ही है और मैं तो रियल में ही बबली गर्ल हूँ और तो हम तीनों एक साथ हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और हम लोगों ने तो काफ़ी एल्बम साथ में किया है बट इनके साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और हमारी अच्छी दोस्ती भी है दबंग जी के साथ में, तो आप लोग को हमारी जोड़ी ज़रूर पसंद आएगी और भोजपुरी बोला जाए तो ये मूवी एकदम जानकार, तो ज़रूर देखिए आप लोग। हाँ ज़रूर बोलब चाह बोलब चाहे, सॉरी मैं बैंगलोर से हूँ इसके लिए मुझे भोजपुरी कम आती है बट आती है, समझ में तो पक्की आती है। आप लोगों से हमारी विनती है कि ये फिल्म अच्छे से देखा और अपन आशीर्वाद हमके दे, हम तीनों लोगों के दे और अपन प्यार बनाए रहो बनाए रखो, आप लोग के साथ बात करत करत हम भी भोजपुरी सीख जाए। जी मैम, पहले सबको मेरा नमस्कार और सब प्रेस वालों से मैं इजाज़त
लेता हूँ और हमारी जो फिल्म है, एक फिल्म का नाम है जो बनारसी छोरा, और हम इसको आशीर्वाद देने आए हैं। और ये हमारे हीरो हैं, इनका नाम है अतुल सिंह जी, ये उनके फादर हैं और ये उनके बहनोई हैं। मैं अशोक त्यागी, फिल्म आर्टिस्ट, और मेरी अपनी फिल्म के बारे में जिक्र करूँ आपसे। पहले मैम आप सवाल करिए बोलिए। मैम, मेरे को इस फिल्म में बुलाया गया है हमारे हीरो ने, डायरेक्टर ने, डीओपी ने, क्या कैरेक्टर मिलेगा मुझे वो बताएंगे। वैसे बड़ा खुश नसीब हूँगा अगर मुझे फिल्म में काम मिले। मैं अशोक त्यागी, मेरी फिल्म पहली है सपूत, सुनील शेट्टी, अक्षय सर में विलन आया था मैं, फिर तीन गोती, उड़ान, बहुत फिल्में हैं मेरी। 15 साल बाद कमबैक हूँ मेरे, कई अब इस वक्त 8-10 फिल्में शूटिंग चल रही हैं। फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहूँगा फिलहाल। मैं इस फिल्म में भी शायद मालिक ने चाह विलन का करेक्टर करूँगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे हीरो के फादर मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनके बहनों जी मेरे साथ बैठे हैं। सर अफसर, अब आप बोलेंगे। बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है, और हमारा यही उद्देश्य है ये फिल्म सुपर हिट जाए, और हमारी यही ख्वाहिश है। हाँ, ये हमारा ख्वाहिश था कि हमारा बेटा आर्टिस्ट बने और नाम कमाए। पैसे तो सब लोग कमाते हैं, नाम भविष्य में बहुत कम, वेरी गुड। इसलिए मैंने पूरा फुल कोशिश किया हूँ कि हमारा बच्चा कामयाब हो, इसके लिए पूरी मेहनत किया हूँ। स्टोरी तो अभी हमने ये देखा नहीं है, लड़के ने क्या कर रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में पूरा जजमेंट नहीं है, मगर ये है कि ठीक है जो भी बना रहे हैं अपनी मर्जी से, तो मैं खुश हूँ और भगवान से यही दुआ करूँगा। स्टोरी अच्छी है वैसे, स्टोरी अच्छी है सर। एकदम सैंपल नॉर्मल इनका जो स्वभाव है एकदम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब बुराइयाँ, बेटे से फादर बहुत खुश हैं, यहाँ तक बचपन से हीरो तक पहुँचाने का इनके फादर का ही हाथ है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सबको ऐसे फादर मिले जो इंडस्ट्री तक पहुँचाएँ। हाँ, बड़े मुकद्दर हैं हमारे, बड़े खुशनसीब हैं हमारे, जो उनके पीछे फादर का हाथ है, हर किसी के पीछे फादर का दुआ करता है। तो सर, आई एम राइट? यस सर। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और आपकी उपस्थिति में जो भी कार्यक्रम हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप थिएटर में जाएं और इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक कि ये आपको एक नई, कुछ नया दिखेगा आपको इस फिल्म में। मैं अभी ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में, बिकॉज आप जाएं देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और जैसे अतुल है एज माय ब्रदर, उसको एक्टिंग का शौक बहुत पहले से था और उसकी एक्टिंग जो है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ एक बार जाके ज़रूर फिल्म देखें तो उसकी एक्टिंग आपको पता चलेगी। और हमारा सबका, पापा का सबका आशीर्वाद है उनके साथ, उम्मीद करते हैं ज़रूर एक दिन सफलतापूर्वक कामयाब होंगे। हाँ जी, मेरी तरफ से सब आर्टिस्टों को शुभकामनाएं हैं, मेहनत करें और हर आर्टिस्ट इसमें कामयाब होगा। और ऊपर वाले ने चाहा ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, हमारे हीरो भी सॉलिड हैं और हमारे जो विलन भी, वो भी काफ़ी मजबूत और एक्टिंग अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे लिए हमारी टीम नहीं है, फिल्म नहीं है, हमारे DOP साहब हैं मुंशी जी, और हम दोनों मिल के इस फिल्म को आगे ले जा रहे हैं। देखिए आगे मुंशी जी, नहीं अच्छा है, मैं क्या बोलेगा, अभी बोल दिया, नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, आपने बोल दिया, शुभकामनाएं दे दीजिए हमारे फिल्म को। ओके, क्या है कि हमारे मुंशी जी बहुत लजालू टाइप के इंसान हैं, सर मिले हैं तो बोल नहीं पाते। मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ अतुल जी के फिल्म छोरा बनारस के मुहूर्त पर, फिल्म के मुहूर्त पर मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना आशीर्वाद उसको देने आई हूँ। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो और उनको
बड़ी कामयाबी मिली। यही मेरी उनको शुभकामनाएं है और देवी माँ की कृपा हमेशा उन पर बनी रही। सबसे पहले अपना परिचय बताते हैं। हमारा नाम शिवालाल यादव है और सभी मीडिया कर्मी को हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जो आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, हम लोगों को इतना प्यार देते हैं और आप ही लोग के बदौलत हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो बनारसी छोरा ऐसा टाइटल है जो कि एक अलग ही है और जिसके लीड कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, जो कि हम इसके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं, कहाँ कॉन्सेप्ट हमने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि वो बनारसी छोरा है। तो जाहिर सी बात है कि बनारस के सारे मिठाइयाँ, सारे जितने भी कुछ गुण हैं सब कुछ इसमें होगा और इनका कैरेक्टर इसमें थोड़ा लोफड़ो वाला है, यही बस सुना हूँ, इन्होंने यही बताया है। मैं विकास कुमार, मैं आरा से आया हूँ बिहार से और आप सभी का नमस्कार करता हूँ और मैं चाहूँगा कि अतुल भाई की जो मूवी है ये सुपर हिट हो और हमारे आरा जिला में ये झंडा गाड़ दें और इनका जो करेक्टर है इसमें एकदम लफंगे टाइप की है और बोलना चाहूँगा कि यही जो मूवी है एकदम अच्छा हो और आगे चल के और भी अच्छा अच्छा मतलब मूवी लाएं और सारे दर्शकों के लिए मनोरंजन करें। मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं गोरखपुर से हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छी बन रही है और ये मूवी बहुत अच्छी और ये अलग अलग टाइप का है मूवी और ये मूवी में अतुल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरीके और ये और आगे जाएँ और आप और आगे बढ़ें और मैं गीत यही कि सबसे पहले तो मैं अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, हर हर महादेव कहूंगा। बनारसी छोरा ये फिल्म बन रही है, हमारे छोटे भाई हैं अतुल जी जो इसमें हीरो हैं और मनोज जी इसके डायरेक्टर हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनने जा रही है और आप लोगों से निवेदन है कि इस फिल्म को आप लोग अपना प्यार और दुलार दीजिए। इस फिल्म में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? हाँ, थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि खलनायक है तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करेगा और बिना खलनायक का डिस्ट्रीब्यूशन की ये फिल्म मीट नहीं होती। अतुल जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अतुल जी एक बहुत ही डायनेमिक हीरो है और अभी नए हैं और फिल्म में आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अतुल जी भी जो है एंग्री यंग मैन की तरह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित हो और इनका एक नाम हो। हमारे सभी भाइयों का सभी लोगों का यही शुभकामना है कि ये बहुत आगे निकले और हमसे जो भी सहयोग होगा हम इनके साथ करेंगे। मनोज जी बहुत अच्छे और उनका किस्म के डायरेक्टर हैं। मैं मनोज जी के साथ तो पहली बार फिल्म कर रहा हूँ लेकिन इनके बारे में बहुत सुना हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि इनके डायरेक्शन में कट एक्शन शुरू हो। बालेश्वर मेरा छोटा भाई है और ये बहुत ही उम्दा किस्म का कलाकार है और आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर वन का विलन चल रहा है यंग में और यंग जनरेशन का एक अच्छा खलनायक है और मैं चाहूँगा, मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही और आगे काम करते रहे बालेश्वर जी और सारी फिल्मों को हिट कराते रहे। अभी हाल ही में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है ग्रेट फाइटर जिसका बहुत अच्छा प्रसाद हुआ है और कई फिल्में हैं जैसे अभी मैं रितेश पांडे के साथ में मैं और बालेश्वर जी इसमें विलन की भूमिका निभाए हैं। फर्स्ट फिल्म है संजय श्रीवास्तव जी इसके डायरेक्टर हैं, रितेश जी इसमें हीरो हैं। बड़ी प्यारी फिल्म बनी है और अभी हाल ही में मैं कल ही एक फिल्म करके आया हूँ मेरे प्यार से खिलाड़ी चंदन सिंह इसके डायरेक्टर हैं, हीरो है किशन। बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, लखनऊ में इसका शूट करके मैं अभी कल मुंबई आया।